वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां साफ सफाई के अभियान, यहां का हस्तशिल्प, यहां की कारीगरी, इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूं। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। 17 जिलों में यहां मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेजबानी की है। अब जम्मू कश्मीर देश की शीतकालीन खेल विंटर गेम्स
एक राजधानी विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में ये मेरा जम्मू कश्मीर उभर रहा है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब 1000 खिलाड़ी देश भर से आए, उन्होंने हिस्सा लिया। साथियों, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनत कश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। J&K बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज
जेएनके बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है, मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। 5 साल पहले बैंक का बिजनेस 1.25 लाख करोड़ रुपए में सिमट गया था, सिर्फ 1.25 लाख करोड़। अब बैंक का बिजनेस 2.25 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। 5 साल पहले बैंक में डिपॉजिट भी 80,000 करोड़ रुपए से कम हो गए थे, यानी लगभग अब 2 गुना होने जा रहा है। अब बैंक में लोगों के डिपॉजिट भी 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गए हैं। 5 साल पहले बैंक का एनपीए 11% को भी पार कर गया था, अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है। पिछले 5 साल में जेएनके बैंक के शेयरों की कीमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धि हुई है। बैंक के शेयर की जो कीमत 12 रुपये तक गिर गई थी, वो अब 140 रुपये के आसपास पहुंच गई है। जब ईमानदार सरकार होती है, नियत जनता की भलाई होती है, तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। और मेरे साथियों, ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है, और कल महाशिवरात्रि है। मैं आपको भी और सभी देशवासियों को भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर बख्शी स्टेडियम में संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल एक क्षेत्र नहीं है, एक जगह नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, ये भारत का माथा है और ऊंचा उठा हुआ मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद ये पहला दौरा पीएम मोदी का, और उन्होंने साफ कहा 2014 से लेकर अब तक जितने मैंने आपसे वादे किए हैं उन सभी वादों को मैं पूरा कर रहा हूं, मैं लगातार आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दशकों इंतजार किया है, उसके बाद जाकर ये अमन चैन की हवा उन्हें नसीब हुई है। ये जो बदलाव है इसके लिए स्थानीय लोग शुक्रगुजार भी हैं और इस बदली हुई आबो हवा में जीना उन्हें सुकून भी दे रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेड इन इंडिया का भी जिक्र किया, यानी कि जो शादियां हैं डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र किया जिन्हें बहुत से लोग बाहर विदेशों में जाके करते हैं। पीएम मोदी ने कहा अपने देश में इतनी खूबसूरत जगह है, आप वहां जाकर अपनी शादियों को कीजिए, और जो नेक्स्ट मिशन है वो वेड इन इंडिया में जम्मू कश्मीर को कर। पीएम मोदी ने कहा कि यहां बहुत सी खूबसूरत जगह है, यहां पर आकर आपको शादियां करनी चाहिए। के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का MDH की देगी मिर्च, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी करोड़ों की सौगात, परिवारवादियों पर साधा निशाना, कहा परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत का समन, 16 मार्च को पेश होने के निर्देश, दिल्ली सरकार ने बुलाई कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों पर बड़ा एक्शन संभव, SIT रिपोर्ट में मदरसों को बंद करने की सिफारिश, टेरर फंडिंग से नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसों के निर्माण का शक। साल बाद तेलुगु देशम पार्टी के NDA में वापसी की तैयारी, दिल्ली आ रहे हैं चंद्रबाबू और पवन कल्याण, बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान संभव। हाईकोर्ट के दखल के बाद CBI हिरासत में पहुंचा शाहजहां शेख, हमले को लेकर सवाल जवाब, कोलकाता में ममता का सख्ती प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 खत्म होने के बाद पहली बार श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचकर जनता को संबोधित किया है। करीब 2,00,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दशकों के इंतजार पर भी बात की और बदले हुए जम्मू कश्मीर की भी बात की। ये सभी खबरें आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे पीएम मोदी ने कौन सी बड़ी बातें बोली हैं संबोधन में, वो भी आप सुनेंगे। गेस्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे, एक्सपर्ट बताएंगे आज के संबोधन में क्या खास है। लेकिन सबसे पहले तेज रफ्तार में देखिए खबर भी असर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में लोगों को संबोधित किया और कहा धरती के स्वर्ग में आने का एहसास शब्दों से परे है, कश्मीर के लोगों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुआ, ये वो जो जम्मू कश्मीर है जिसका लोगों ने दशकों तक इंतजार किया, ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में 6,400 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, राष्ट्र को समर्पित किया। यहां पीएम ने जम्मू कश्मीर के लगभग 1,000 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ